हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे NETS पोर्टल से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और जो आंसर है उसके बारे में। दोस्तों, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है, जो कि BOPT यानी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा ये FAQ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली गई है। आप चाहो तो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके जो भी आपकी क्वेरी है उसका समाधान यहाँ से पा सकते हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो FAQ है वो दिए हुए हैं, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट द क्वेरी दैट आर आंसर्ड अंडर FAQ विल नॉट बी आंसर्ड थ्रू ईमेल। स्टूडेंट मे नॉट गेट रिप्लाई टू सच क्वेरी थ्रू ईमेल। यानी इस प्रकार की कोई क्वेरी, इसका जवाब किसी ईमेल के थ्रू आपको नहीं दिया जाएगा। आपको इनका जवाब है ये PDF फाइल के माध्यम से दिया गया। कैंडिडेट्स को इस प्रकार का कोई ईमेल के माध्यम से, कोई यदि आप ईमेल करते हो तो उसके माध्यम से कोई अप्लाई नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट की क्वेरीज है, फिर जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो रिमार्क है यानी जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव एनरोल्ड विद NETS वेब पोर्टल बट आई डिड नॉट डाउन माय यूजर ID, व्हाट शुड आई डू। यदि आपने कैंडिडेट ने कि ये दिक्कत होती है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया NETS पोर्टल पे, लेकिन उसने अपनी यूजर आईडी नोट नहीं किया, तो वो यूजर आईडी कैसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कैन बी यूज एज यूजर आईडी। यानी आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाली है, वही आपकी यूजर आईडी होगी। तो यूजर आईडी यदि आप भूल जाते हो तो आपकी ईमेल आईडी आपको याद रखनी है, उससे आप लॉग इन कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया कैंडिडेट ने, लेकिन पासवर्ड नोट करना भूल गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कैंडिडेट को पासवर्ड दोबारा प्राप्त करने के लिए जो NETS पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपके एक पासवर्ड रिसेट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा सेट कर सकता है। अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई इंटर इन द फील्ड मेंशन एज CGPA इफ माय यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड CGPA। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और यहाँ पे CGPA की फील्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको CGPA प्रोवाइड नहीं करवाया, तो आप उसकी जगह क्या इंटर करोगे। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आप उस जो फील्ड है उसको खाली छोड़ सकते हो, वहाँ पे जो रिलेवेंट जो फील्ड है उसमें आपको जो परसेंटेज जो मार्क्स है वही इंटर करना है। इसी प्रकार से यदि व्हाट शुड आई इंटर इन द फील्ड मेंशन एज CGPA इफ माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड DGPA। यदि आपकी यूनिवर्सिटी आपको CGPA नहीं देकर DGPA प्रोवाइड करती है, तो इसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको जो DGPA है वो इंटर करना है। जो CGPA की जो फील्ड है उसमें आप DGPA भी इंटर कर सकते हो। अब आपको क्या, यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, शुड आई इंटर परसेंटेज सिंबल अलोंग विथ मार्क्स। क्या आपको मार्क्स के साथ परसेंटेज का जो ये सिंबल है ये डालना जरूरी है क्या, तो इसका जवाब है नहीं, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ जैसे किसी को 65% या 80% उसको, या 65 या 80% ही उसमें डालने, कोई परसेंटेज वहाँ पर लगाना नहीं है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टूडेंट का माई कॉलेज नेम इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, व्हाट शुड आई डू। यदि रजिस्ट्रेशन करते हो और उसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, तो कैंडिडेट्स को उसमें के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा कि सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्टेक्ट योर कॉलेज, जो कॉलेज है उससे कॉन्टेक्ट करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें। द कॉलेज ऑथोरिटी मे कॉन्टेक्ट BOPT फॉर असिस्टेंट इफ नीडेड। उसके बाद जो आपकी कॉलेज है वो जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उससे कॉन्टेक्ट करके अपना एनरोलमेंट है वो करवा सकती है पोर्टल के ऊपर। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके जो कॉलेज है वहीं इस पर एनरोल होगी तभी वो इसमें शो होगा। अब माई यूनिवर्सिटी नेम इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट गिवन, व्हाट शुड आई डू। यदि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ईमेल डालना है, यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो लिस्ट में नहीं है, उसके लिए आपको एक ईमेल डालना पड़ेगा। जो ईमेल का जो लिंक है वो इसकी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहीं पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। फिर यदि आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाई AICTE आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी AICTE द्वारा जितने भी अप्रूव्ड इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो सारी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एड की गई है। इसलिए आप इसको केयरफुली चेक कर लें। यदि उसके बाद में आपको अपने जो ब्रांच नहीं मिलती है, तो आपको BOPT को एक मेल करना होगा, उसके बाद में आपकी जो जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो आप ऐड करवा सकते हो। अब फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है,
वॉट डू यू मीन बाई रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी इंटरिंग वाइल फिलिंग माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन द एनरोलमेंट पेज ऑफ NETS पोर्टल। जब NETS पोर्टल पर आप अपने क्वालिफिकेशन फिलअप करते हो तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, उसका क्या मतलब? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब आपसे रोल नंबर से है जो कि आपकी मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर प्रिंट किए होते हैं। ये नंबर आपको उसमें इंटर करने जरूरी होते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब इफ इज फर्स्ट क्लास विथ ऑनर्स एंड फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन द सेम, यस दे आर वन एंड द सेम। यानी आपकी ऑनर्स या जो फर्स्ट क्लास ऑनर्स है और वो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन है, ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल आई कम टू योर ऑफिस फॉर माई सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन आफ्टर सक्सेसफुल एनरोलमेंट। अब कैंडिडेट के सवाल होते हैं कि सक्सेसफुल वेरीफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स का, सर्टिफिकेट का, NETS पोर्टल, तो उसके बाद में ऑफिस में जाने की जरूरी है क्या NETS के? तो यहाँ पे लिखा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो सर्टिफिकेट है वो एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी है, वो जब ज्वाइनिंग आपकी लेती है तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है जब आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको रखती है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं NETS पोर्टल पे, उसको जब आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको वेरीफाई करवाना जरूरी होता है। फिर 12 नंबर गए, आई हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड इन NETS पोर्टल, प्लीज अप्रूव माई कैंडिडेचर। कि आपने सक्सेसफुली NETS पोर्टल पर अप्रूव वो कर लिया है, एनरोलमेंट कर लिया है, अब जो कैंडिडेटर है ये अप्रूव कब होगा? तो इसमें कम से कम 20 दिन लगेंगे, 20 दिन पहले आपको कोई ईमेल या क्वेरी नहीं भेजनी है NETS पोर्टल के ऊपर। आपके एनरोलमेंट होने के वहाँ 20 दिन तक लग सकते हैं आपका कैंडिडेटर अप्लाई होने के लिए। कई कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद उनकी क्वेरीज आती है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट शो नहीं हो रही, ये शो नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ कम से कम 20 दिन लगते हैं आपकी अप्रूवल प्रोसेस में, उसके बाद में आप चेक करो। फिर है, नाउ आई एम डूइंग माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और आई हैव कम्प्लीटेड माई MEMTECH सेल आई एनरोल विथ ऑनलाइन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग MTECH वगैरह कर रहे हो या आपने कंप्लीट कर लिया तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें लिखा BE/BTECH डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट आर एलिजिबल फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर NETS। यानी जिन्होंने BE/BTECH डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट कर लिया वही अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन डोंट फॉर्म द एलिजिबिलिटी कंडीशन, अदर जो क्वालिफिकेशन है वो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को नहीं पूरा करती है। यानी आपको कंप्लीट होना जरूरी है अप्रेंटिस करने के लिए। उसके बाद नीड टू अपग्रेड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम डिप्लोमा टू BTECH और डिप्लोमा सैंडविच टू BTECH। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद में आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कर ली है तो आपको उसको अपग्रेड करवाना है NETS पोर्टल पे, तो वो कैसे कराओगे? तो इसके लिए वंस यू आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली इन फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट यू मे सेंड ईमेल INF@BOPTR.gov.in फॉर अपग्रेडिंग द प्रोफाइल फ्रॉम डिप्लोमा टू BTECH कोटिंग योर डिप्लोमा एनरोलमेंट ID। जब आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके बाद में आपको इस ईमेल ID के ऊपर आपके जो प्रोफाइल अपडेट के लिए एक ईमेल करना जरूरी होता है, उसके बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अपग्रेड कर दी जाएगी। आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से, ये मेल भेज के आप इसमें चेंज करवा सकते हो, अपग्रेड करवा सकते हो। उसके बाद में अगला दिया, आई हैव एनरोल सक्सेसफुली इन NETS पोर्टल, व्हाट शुड आई डू नाउ टू गेट अप्रेंटिस। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनका क्वेश्चंस आ रहे हैं NETS पोर्टल को लेके कि NETS पोर्टल पे हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिल रही है, कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप कैसे अप्रेंटिस प्राप्त कर सकते हो, इसका जवाब यहाँ पे दिया। सबसे पहले तो आपको NETS पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट शो होगी, आपको एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में फाइंड एस्टैब्लिशमेंट पे जाना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं उनको फॉलो करना है, और उसके बाद में अप्लाई टू एज मैनी एस्टैब्लिशमेंट एज यू कैन। उसके बाद आप जितने एस्टैब्लिशमेंट में चाहो उतने एस्टैब्लिशमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई टू एनी एस्टैब्लिशमेंट थ्रू आउट द कंट्री, आप इंडिया की किसी भी एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यदि उन्होंने वैकेंसीज पोस्ट कर रखी है तो। उसके बाद वंस कंप्लीटेड सबमिट द लिस्ट इफ देयर इज एनी वैकेंसी एंड इफ एस्टैब्लिशमेंट विश टू सेलेक्ट कैंडिडेट थ्रू पोर्टल देन बेस्ड ऑन सीनियरिटी यू मे गेट ए चांस। जब आप उसका अप्लाई कर देते हो उसके बाद में जो एस्टैब्लिशमेंट होती है उसके वैकेंसी निकलती है तो वो कैंडिडेट को पोर्टल के थ्रू ही सेलेक्ट करती है, जिसपे सीनियरिटी के आधार पे आपके चांसेस होते हैं, आपने पहले अप्लाई किया था आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया वन सिलेक्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फाइनली सबमिटेड दिस सेक्शन। यदि एक बार एस्टैब्लिशमेंट फाइनली सिलेक्शन आपका कर लेती है तो 90 दिन के लिए आपका जो ये है
एप्लीकेशन प्रोसेस वो रोक दिया जाएगा और 90 दिन के बाद में ही आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे। 90 दिन के बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में ही आप अप्लाई कर पाओगे। हेंस चूज एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए आपको एस्टैब्लिशमेंट का सिलेक्शन है वो केयरफुली करना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 90 दिन तक, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया NETS पोर्टल के माध्यम से, फिर 90 दिन तक आप दूसरी एस्टैब्लिशमेंट अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ नीचे नोट्स दिए हैं, एम ईयर एनरोलमेंट इन द NETS पोर्टल डज नॉट गिव एनी गारंटी फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। सबसे पहले तो ये है कि अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको कोई रोजगार मिल जाएगा या अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिल जाएगा। फिर बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैज़ नो रोल इन द सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस, यानी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसका कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव इनफ इन गोइंग थ्रू द वेरियस एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज ETC बेस्ड ऑन देयर, इसलिए स्टूडेंट है उनको एक्टिव रहना होगा, उन्हें जो भी एस्टैब्लिशमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं उनको केयरफुली रीड करना है, उनका कॉन्टेक्ट में रहना है, उसके बाद में उन्हें अप्लाई करना है। इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो BOPT की जो ऑफिशियल वे लगातार विजिट करते रहे। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव रजिस्टर्ड इन द NETS पोर्टल लॉन्ग बैक, टिल टुडे डिड नॉट गेट एनी कॉल फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, प्लीज हेल्प मी बाई प्रोवाइडिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। आपने बहुत टाइम हो गया NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कोई कॉल नहीं आया या अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए ये जो 15 नंबर पॉइंट है यही इसका आंसर है कि इसमें BOPT का कोई रोल नहीं है। NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी और जो एस्टैब्लिशमेंट जो वैकेंसी निकालती है उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। फिर 17 नंबर पॉइंट है, आई वांट टू चेंज माय पर्सनल डिटेल्स, यदि आप अपने पर्सनल डिटेल्स चेंज करना चाहते हो NETS पोर्टल, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, जेंडर, आधार डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सी ये यदि आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका आंसर दे दें, फील्ड आर नॉन एडिटेबल वंस योर एनरोलमेंट इज सबमिटेड, एक बार आपका एनरोलमेंट वो सबमिट हो गया उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए कैंडिडेट्स को यही एडवाइस यहाँ पे दी जाती है कि वो जो भी डिटेल्स फिलअप करें उसको केयरफुली फिलअप करें, उसके बाद में वो चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। तो जो भी फेक इन्फॉर्मेशन है वो आपको NETS पोर्टल पे एंटर नहीं करनी है, उसके बाद में आप इस पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ प्रोफाइल को व्यू ही आप कर सकते हो। उसके बाद आई वॉन्ट टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, हाउ टू गेट इट, यदि आप किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, जैसे मान लो आप किसी रेलवे या मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टाटा है या सुजुकी, आप उसमें ही अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट करना है और अप्रेंटिस पोर्टल के थ्रू आपको जो उनका इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला है उसके लिए अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यानी NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना है, अप्लाई भी आपको करना जरूरी है, उसके बाद में ही आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है डायरेक्ट। फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड कॉन्टैक्ट वॉज क्रिएटेड बाई एस्टैब्लिशमेंट बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट द सेम विद इन 15 डेज, नाउ कॉन्टैक्ट गॉट एक्सपायर्ड, व्हाट शुड आई डू। यदि आपका कहीं सिलेक्शन हो गया अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, आपका कॉन्टैक्ट भी जनरेट हो गया लेकिन 15 दिन में आपने ज्वाइन नहीं किया है और आपका कॉन्टैक्ट वो एक्सपायर्ड हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? जो आपके जो कॉन्टैक्ट की वैलिडिटी वो 15 दिन की होती है, 15 दिन में आप यदि ज्वाइन नहीं करते हो तो एक्सपायर्ड हो जाता है। इसके लिए कैंडिडेट्स को क्या करना है? तो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट टू रीएक्टिवेट द कॉन्टैक्ट, तो इसके लिए कैंडिडेट्स को एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, रीएक्टिवेट की उसको रिक्वेस्ट डालनी होगी, एस्टैब्लिशमेंट उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को, उसके बाद में कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 20 नंबर गए, आई हैव एक्सेप्टेड द कॉल लेटर बट नॉट अटेंड द इंटरव्यू, व्हाट टू डू। यदि आपके पास कॉल लेटर आया लेकिन आपने उसको अटेंड नहीं किया, इंटरव्यू अटेंड नहीं किया, तो आपको क्या करना था? तो यहाँ पे लिखा रेफर FTB लॉजिक अवेलेबल इन द डैशबोर्ड अंडर एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पेज, तो आपके जो एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पेज है उसके डैशबोर्ड के अंडर में आपको ये FTB लॉजिक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो। 21 नंबर में भी यही है, आई हैव रिजेक्टेड द कॉल लेटर व्हाट विल हैपन, यदि आपने कॉल लेटर रिजेक्ट कर दिया है तो क्या होगा? तो आपको भी एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू में जो FTB लॉजिक दिया हुआ है उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आई हैव रिसीव्ड ए कॉल लेटर नाइदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, मान लो आपने आपके पास कोई कॉल लेटर आया आपने उसको चेक ही नहीं किया
और वो रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए भी आपको एफटीबी लॉजिक है डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से ही आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आई हैव एक्सेप्टेड द अवार्ड लेटर बट नॉट ज्वाइन, व्हाट विल हैपन। यदि आपके पास कोई अवार्ड लेटर है लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपको क्या करना है, तो एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में आपको एफटीबी लॉजिक पे जाना है। फिर आई हैव रिजेक्टेड एन अवार्ड लेटर व्हाट विल हैपन। यदि आपने कोई अवार्ड लेटर है उसको रिजेक्ट कर दिया तो भी आपको एफटीबी लॉजिक। फिर आई हैव एन अवार्ड लेटर नाइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आपके पास कोई अवार्ड लेटर है, न तो आपने उसको एक्सेप्ट किया न रिजेक्ट किया, यानी आपने उसको चेक इन ही नहीं किया, लॉगिन नहीं किया, तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए भी आपको एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जो एफटीबी लॉजिक है वहाँ पे जाके आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो दोस्तों ये तो जो 25 जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट क्वेरी के, वो मैंने आपको बताए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें जो जवाब है वो बीओपीटी के द्वारा बिल्कुल क्लियर दिए हैं कि कैंडिडेट्स को किस स्थिति में क्या करना है। यदि कैंडिडेट्स के इस प्रकार की कोई भी समस्याएं आती है तो कैंडिडेट्स को जो ये बीओपीटी का जो रिमार्क, इसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके ये जो हेल्प है वो प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।